नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड व्यू और मैं हूं राहुल तिवारी। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये एक पुरानी कहावत है और ये कहावत अक्सर सुनी जाती है, कही जाती है, बताई जाती है, लेकिन कल ये चरितार्थ होते हुए भी देखेंगे। मरकज के जमातियों ने देश भर में कोरोना को फैलाया, ये एक सच है, लेकिन इन जमातियों की कड़ी निंदा करने के बजाय कुछ मौलाना मौलवी बेशर्मी पर उतर आए हैं। कल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिनमें ये मौलाना मीडिया को जहरीली धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी हम पर आरोप लगते हैं हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया देने का तरीका नहीं हो सकता। मीडिया से इनकी नाराजगी इस बात पर है कि मरकज के काले कारनामों को मीडिया दुनिया के सामने रख रहा है। इनकी तकलीफ यह नहीं है कि देश को कोरोना की भट्टी में इन जमातियों ने झोंक दिया है, बल्कि इन्हें इस बात का दुख है कि मीडिया जमातियों का सच क्यों दिखा रहा है। ये लोग खुलेआम मीडिया को धमकी दे सकते हैं, तो आम जनता के साथ ये क्या नहीं करते होंगे या क्या नहीं करने का सोचते होंगे। एक तरफ कहा जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है, दूसरी तरफ ये धमकी देने, गुंडागर्दी पर उतर आने और सरेराह सरेआम लोगों को चमकाने से बाज भी नहीं आते हैं। जितना गुस्सा ये मीडिया पर दिखा रहे हैं उसका दसवां हिस्सा भी अगर ये मरकज और मौलाना साद के खिलाफ दिखाते तो देश में इनकी इज्जत और बढ़ जाती। कोरोना के नाम पर जो जिहाद फैलाया जा रहा है, कोरोना के नाम पर जो जहरीले वीडियो कुछ लोग बना रहे हैं, उनकी निंदा में इन मौलानाओं के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। थूक जिहाद करना है और कोरोना फैलाने की जो बात है वो अपना ही मजहब है चाहे, लेकिन उनके खिलाफ इन मौलानाओं की जबान पर ताला लग जाता है। आमतौर पर गलती कोई भी करे हमें खुलकर उस पर बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बोला जा रहा है। मीडिया सच दिखा रहा है तो ये लोग टुच्चाई पर उतर आए हैं। मीडिया ने आमतौर पर जब पहले भी ऐसे मामले आए हैं तो राम रहीम, आसाराम और कई सारे संतों पर जब आरोप लगाए थे तब कोई हिंदू इन संतों के समर्थन में नहीं आया था, किसी हिंदू ने किसी मीडियाकर्मी को धमकी नहीं दी थी, लेकिन मौलाना साद और मरकज के काले कारनामे जब मीडिया ने दिखाए तो ये लोग मीडिया पर हमला करने पर उतारू हो गए। ये उग्रता और धूर्तता ही इन लोगों का चरित्र है। इनकी हरकतें देखकर यही लगता है कि जो गंगा जमनी संस्कृति और भाईचारे की बात हम इनके लिए करते हैं ये सिर्फ एक नौटंकी है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब पढ़े लिखे अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग इस तरह की चीज़ों में चुप रहता है। जब इन जाहिल मौलानाओं की करतूतों पर हम चुप्पी देखते हैं, जहरीले मौलानाओं का सबसे पहला विरोध समाज के भीतर से जो शुरू होना चाहिए वो नहीं होता है, तब इन पढ़े लिखे लोगों की मौन स्वीकृति पर भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है। समाज के अंदर इनका कोई विरोध नहीं होता है जिससे ये और उद्दंड बनते जा रहे हैं। समझदार पढ़े लिखे लोगों की ऐसी चुप्पी भी इन मौलानाओं से कम जहरीली नहीं है। अगर इन मौलानाओं से गलती हो भी गई है तो इन्हें पश्चाताप करना चाहिए, सामने आकर इन्हें अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और खुद को दूसरों से अलग कर लेना चाहिए, लेकिन वो इसका उल्टा रहा है। ये छुप कर बैठे हुए हैं और कोरोना फैला रहे हैं। इनकी जाँच करने वाले डॉक्टर जाते हैं तो ये हिंसक हो जाते हैं। ये हरकतें सिद्ध करती हैं कि इनके इरादे नेक नहीं हैं। इनके मन में देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है। इनके साथ सख्ती से निपटना ही कोरोना को रोकने की एकमात्र उपाय है या एकमात्र तरकीब है। देश को बचाने के लिए कठोर निर्णय लेने में सरकार को बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए। यह परिस्थितियाँ युद्ध से भी खतरनाक हैं, इसलिए युद्ध मानकर ही इन परिस्थितियों से हमें निपटना होगा। तो कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से जो तमाम सारे मुल्ला मौलवी हैं वे मौलाना साद के पक्ष में उतर आए हैं, जमात के पक्ष में उतर आए हैं, सिर्फ कहा जाता है कि हमारा धर्म वह है जो हमें अपने देश की रक्षा करना सिखाए, और जब बात देश की आती है तो देश के लोगों से ही देश बनता है। इसलिए यदि आज देश के लोग संक्रमित होंगे, यदि आज देश के लोग खतरे में होंगे, तो फिर भारत भी खतरे में होगा। तमाम सारे मौलाना जो मीडिया की डिबेट्स में भाग ले रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए अपने बयान जारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ताकि संकट की इस घड़ी में हम ये साबित कर सकें कि असली हिंदुस्तानी आखिरकार कौन है। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।